हमारे किसान साथियों को नमस्कार। आज हम बात करेंगे सुप्रानील इंसेक्टिसाइड के बारे में। जी हाँ दोस्तों, इसका उपयोग कौन कौन सी फसल में करेंगे, इसका सही डोज, महत्वपूर्ण बातें और यह कौन सी कंपनी बनाती है, इसके बारे में आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। यह मार्केट में सुप्रानील के नाम से बिकता है। इसकी जो टेक्निकल नाम है वो है फिप्रोनील 4% प्लस एसीटामिप्राइड 4% है। इसका उपयोग अंगूर, केला, कपास, टमाटर, प्याज, गन्ना, अदरक, लहसुन, तरबूज, फूल, बागवानी वर्गीय फसलों में आप लोग इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और जितने भी प्रकार के चूसक होते हैं उन पर इनका एफिड जेसिड, इन पर इनका बहुत ही अच्छा परिणाम देखने को मिलता है। यदि ध्यान दें इसकी टेक्निकल नाम पर तो फिप्रोनील 4% प्लस एसीटामिप्राइड 4% का कॉम्बिनेशन है, जो कि बहुत ही बेहतरीन चूसक के लिए या फिर जैसे लीप कर के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसकी पैकिंग की बात करें तो यह मार्केट में 100 ml से 1 लीटर तक मार्केट में उपलब्ध है और यह एक कीटनाशक है। इसकी उपयोग की दिशा, आवश्यक मात्रा में थोड़ा पानी के साथ पतला करें और लगातार हिलाएं, फिर आवश्यकता अनुसार मात्रा बचा हुआ पानी डालें और फिर हिलाते हुए अच्छी तरह से मिलाएं और पूर्ण स्प्रेयर का प्रयोग करें और नेक्स्ट स्प्रेयर में भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। सुप्रानील बहुत ही अच्छा एफिड जेसिड लीप कर्ल को यह अच्छा करता है और इसका उपयोग आप टमाटर जैसी फसलों पर कर सकते हैं। और हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिए दोस्तों। यह जो है एफिड जेसिड सफ़ेद मक्खी आदि प्रकार के चूसने वाले कीटों पर अच्छा से नियंत्रण करता है। इसकी ml की बात करें तो यह कपास में 500 ml प्रति एकड़ के हिसाब से चलता है और आपको इसका छिड़काव करते वक्त निम्न सावधानियों को ध्यान में रखते हुए करना है, जैसे हाथों पर दस्ताने और मुंह पर मास्क लगाएं और दवाई को स्प्रेयर में डालने के बाद उसे घोल अच्छे से तैयार करने के बाद ही स्प्रे करें और हवा की विपरीत दिशा में स्प्रेयर ना करें, जिससे आपको अच्छे परिणाम देखने को नहीं मिलेंगे। धन्यवाद।